देखिए, जब भी हम वर्ल्ड क्रिकेट में जोड़ियों की बात करते हैं तो कुछ नाम जो हमारे मन में आते हैं वो हैं सचिन सहवाग, सचिन गांगुली, गिलक्रिस्ट हेडन, धोनी युवराज, धोनी रैना या वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप देखें तो कभी भी क्रिकेट इतिहास में ऐसी कोई जोड़ी मशहूर नहीं हुई जिसमें दोनों प्लेयर सेम देश के लिए ना खेलते हों, और अगर मशहूर हुई तो बस एक ही जोड़ी, कोहली और डी विलियर्स की। इस जोड़ी को साथ में खेलते हुए देखने की वाइब कहें या आसान शब्दों में काल कहें क्या होता है, ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसने इन दोनों को साथ में खेलते हुए देखा होगा, जो इन दोनों की लेगेसी से वाकिफ होगा। जिसने आज क्रिकेट देखना शुरू किया है उसे चाह के भी आप कभी इस भौकाल से परिचित नहीं करा सकते, क्योंकि कुछ मूवीज ऐसी होती हैं वो कितनी अच्छी है ये कभी सुना के बताया ही नहीं जा सकता। उसकी कीमत वो ही समझ सकता है जिसने मूवी को देखा हो, उसके एक एक मिनट को जिया हो, वही जानता है कि असल कहानी थी क्या। पर चिंता मत करिए, आज की ये वीडियो में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि दोनों का ओहदा क्या था और इन्होंने साथ में खेलते हुए क्या क्या रिकॉर्ड बनाए, ये तो सब आपको कहीं भी पढ़ने को मिल जाएगा। आज तो मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि कैसे खुद लेजेंड विराट कोहली ने भी अपने आप को डी विलियर्स के सामने छोटा बना दिया था, कैसे विराट कोहली ने ऐसी चीजें कर दी कि वो खुद उस वक्त सबसे बड़े बैट्समैन होते हुए भी डी विलियर्स के सामने मस्तक हो गए थे। अगर बात थोड़ी कम समझ में आ रही है तो कोई नहीं, वीडियो में बने रहिएगा। क्यों मैंने ऐसा कहा कि खुद कोहली इतने बड़े बैट्समैन होते हुए भी डी विलियर्स के सामने एक फैन बॉय बन जाते थे, ये मैं बताता हूं। तो ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि आईपीएल के तीसरे सीजन यानी 2010 से पहले जब विराट कोहली से पूछा गया था कि वो कौन सा प्लेयर होगा जिसके साथ आप खुद खेलने के लिए इच्छुक हैं, तो विराट कोहली ने बड़ी आसानी से कह दिया था कि अगर ओवरऑल कहूं तो मेरा हमेशा से सपना रहा कि मैं सचिन तेंदुलकर के साथ एक ही पिच पे खेलूं, जो कि हर इंडियन का सपना रहता है। लेकिन अगर कभी भी मुझसे यह कहा जाए कि वो फॉरेन प्लेयर कौन होगा जिसके साथ मैं उसी पिच पे खड़ा होना चाहता हूं, तो वो है एवी डी विलियर्स। यहां पे मैं क्लियर कर दूं कि यह बात कोहली ने तब कह दी थी जब डी विलियर्स वो नाम नहीं बने थे जो वो अपने आखिरी 5-6 साल में थे, लेकिन स्टिल कोहली डी विलियर्स के साथ खेलने के लिए तब से तरस रहे थे। कोहली ने यह तक कह दिया कि अगर मुझे सिर्फ इतना भी मौका मिल जाए कि मैं पिच के दूसरे एंड पे खड़े होकर उन्हें खेलते हुए देख सकूं, भले मेरी बैटिंग तक ना आए, लेकिन फिर भी मैं दूसरे एंड पे खड़े होकर उन्हें खेलते हुए देख सकता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि एक स्टूडेंट मानो टीचर की कलाओं को देख कुछ सीख रहा है। कोहली की यह बात आज सुनने में उनका बड़प्पन लग सकती है, क्योंकि कोहली करियर के ओहदे में किसी भी केस में डी विलियर्स से पीछे नहीं है, पर बात ही यही है कि हर बार कहानी स्टैट्स से नहीं चलती। 2010 में जब कोहली ने यह बयान दिया था तो ऐसा लगा कि मानो ऊपर वाले ने उनकी बात सुन ली और 2011 में हुए ऑक्शन में डी विलियर्स आरसीबी द्वारा पिक कर लिए गए। और सच ये भी है कि कोहली और डी विलियर्स एक टीम में साथ ना खेलने से बस थोड़ी ही दूर थे, क्योंकि 2011 सीजन से पहले आरसीबी ने अपने सारे प्लेयरों को रिलीज कर दिया था और बस एक ही प्लेयर को रिटेन करा था, जो थे विराट कोहली। आरसीबी के मैनेजमेंट ने जब विराट कोहली को यह नोटिफाई किया कि वो इकलौते प्लेयर हैं जिन्हें आरसीबी रिटेन कर रही है, तो उनसे फिर से जनरली यही पूछा गया कि आपकी राय में कोई प्लेयर है जिसे हमें टारगेट करना चाहिए। कोहली तब कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड प्लेयर तो नहीं थे, पर स्टिल उन्होंने बस इतना कह दिया था कि कौन करेक्ट प्लेयर है टीम के लिए वो तो नहीं पता, लेकिन हां मुझे इतना जरूर पता है कि अगर हमारे पास डी विलियर्स आ गए तो मजा जरूर आएगा। हां, कोहली का यह बयान बचकाना सा लग सकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा यह बात किसी दिग्गज क्रिकेटर के मुंह से नहीं निकल रही थी बल्कि एक फैन के मुंह से निकल रही थी। पर जैसी डी विलियर्स आरसीबी में शामिल हुए तो कहानी यहां से और दिलचस्प होने वाली थी, और यहां दिलचस्प से मतलब यह नहीं कि दोनों ने मिलकर साथ में क्या क्या आंकड़े छुए या क्या क्या रिकॉर्ड बनाए, बल्कि ऐसे कई कोहली के फैन मोमेंट्स क्रिएट होने वाले थे जो हल्के फुल्के सुर्खियों में तो आए लेकिन कभी अच्छे से बताए या सुनाए नहीं गए, पर वो भी हम आपको बताते हैं। तो जब डी विलियर्स पहली बार आरसीबी में शामिल हुए थे तो डी विलियर्स से मिलने पे सबसे पहला रिएक्शन कोहली का यही आया था कि कोई रिएक्शन ही नहीं आया था, वो एकदम मौन थे। और जब डी विलियर्स खुद कोहली से मिलने आए तो कोहली ने उनसे सबसे पहली चीज उन्हीं के साथ सेल्फी मांगी। सिर्फ इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोहली डी विलियर्स के कितने बड़े फैन थे। इसके बाद डी विलियर्स और कोहली ने साथ में एक के बाद एक
कितनी पार्टनरशिप्स करी ये तो आप सभी जानते होंगे, कितने मैचेस साथ में जिताए ये भी जानते होंगे। आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी पार्टनरशिप 229 और 215 डी विलियर्स और कोहली के नाम ही रही। अगर आप आरसीबी के मैचेस पिछले कई साल से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपने एक और चीज नोटिस करी होगी कि जब भी डी विलियर्स आरसीबी के लिए मैच फिनिश करके आए तो मैदान पे दौड़ के आने वाले सबसे पहले प्लेयर विराट कोहली थे। कई बार ऐसी भी फुटेजेस मार्केट में आई जहां कोहली कैमरा पे जोरों शोरों से ये चिल्लाते हुए देखने को मिले कि आई लव डी विलियर्स। उन्होंने खुद को ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा डी विलियर्स का सबसे बड़ा फैन बताने से पीछे नहीं रखा। पर सबसे कमाल की बात ये भी रही कि वक्त के साथ कोहली ने डी विलियर्स को खुद का इतना बड़ा फैन बना दिया जितने बड़े फैन वो डी विलियर्स के नहीं थे। चाहे आरसीबी जब जब फेल हुई या कोहली भी कभी अगर डिलीवर नहीं कर पाए तो सबसे पहला आदमी जो हमेशा कोहली के सपोर्ट में आया वो थे डी विलियर्स। और ये बात सिर्फ आरसीबी के टर्म्स में नहीं है, इवन भारत के टीम से भी खेलते हुए जब कोहली के खुद के देशवासियों ने उन्हें क्रिटिसाइज करा तो भी डी विलियर्स ही थे जो तब भी उनके सपोर्ट में खड़े रहे। जब 2021 आईपीएल के स्टार्ट होने से जस्ट पहले ही कोहली ने ये अनाउंस करा था कि ये आईपीएल उनकी एज अ कैप्टन लास्ट आईपीएल होगी तो बहुत लोगों ने कोहली पे सेल्फिश होने का इल्जाम लगाया, तो उस वक्त भी डी विलियर्स ही थे जिन्होंने सबसे पहले आगे आके ये कहा था कि जितने मैच आज तक कोहली ने अपनी टीम को जिताए हैं अगर उसके बाद भी विराट कोहली सेल्फिश हैं तो हर उस इंसान को अपने आप पे प्राउड होना चाहिए जिसे सेल्फिश कहा जाए। डी विलियर्स के इस स्टेटमेंट के बाद देखा गया कि अचानक से सारा क्रिटिसिज्म खत्म हो गया था। जब डी विलियर्स ने आरसीबी से रिटायरमेंट की भी घोषणा करी थी तो आरसीबी इनसाइडर्स द्वारा यह भी बताया गया कि कोहली उस दिन बस रोते रहे थे और डी विलियर्स के काफी समझाने के बाद ही वो खुद पे काबू कर पाए थे। आज ये सब सुन के शायद बिलीव ना हो क्योंकि कभी किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि किसी दिन दो अलग अलग देश के क्रिकेटर के बीच ऐसा बॉन्ड भी देखने को मिलेगा और वो भी क्रिकेट इतिहास के दो सबसे बड़े प्लेयर के बीच। लेकिन सच में उन आंखों को खुद को धन्य मानना चाहिए जिन्हें ये दो प्लेयर साथ में खेलते हुए देखने को मिले। उम्मीद करता हूं ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर हां तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। और आपका कोहली और डी विलियर्स के बॉन्ड के बारे में क्या सोचना था या क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताएं। बाकी जैसा मैंने कहा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।